नमस्कार दोस्तों, एल्गोरिथम लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे ग्रेडी एल्गोरिथम की, जिसमें से आज हम बात करेंगे जॉब सिक्वेंसिंग विथ डेडलाइन प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है उसको पहले हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसके बाद इसके सोल्यूशन साइड चलेंगे। इस प्रॉब्लम में जनरली जो ग्रेडी एल्गोरिथम होता है वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, मतलब कि किसी और मेथड से अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे पाएगा जितना करेक्टली आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है ग्रेडी एल्गोरिथम। तो जॉब सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या है? जॉब सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम है कि आपको नंबर्स ऑफ जॉब दिए होंगे, हर जॉब के साथ कुछ प्रॉफिट होगा और उस जॉब की एक डेडलाइन भी होगी। आपको करना क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न होगा उसी को यहाँ पे देखना है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइजेशन की है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम को सबसे पहले पिक करना पड़ेगा, मीन्स जब मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपका जॉब दे। जैसे एग्जांपल तो आप समझिएगा कि सपोज एक साइबर कैफ़े है जहाँ पे 4 डिफरेंट पर्सन आए, उनको साइबर कैफे में काम करना, लेकिन सबकी सब अलग अलग पे करने को तैयार हैं, उसके साथ उसकी डेडलाइन है। जैसे एक आके बोला कि हम आपको 50 रुपीज़ दूंगा लेकिन मेरी डेडलाइन 1 है, मीन्स इस फर्स्ट आवर में ही मुझे काम करना है, तो उसकी डेडलाइन को आ गिवन। दूसरा पर्सन आया और बोला हम आपको 30 रुपये देंगे लेकिन उसकी डेडलाइन क्या है, 2 है। मतलब कि वो एक घंटा वेट करने को तैयार है, वो सेकेंड यूनिट में भी काम कर सकता है। ऐसे थर्ड बोल रहा है कि मैं आपको 20 रुपीज़ दूंगा लेकिन मेरी प्रायोरिटी क्या है, डेडलाइन 1 ही है। तब देखिए यहाँ पे 2 पर्सन हो गए, एक 20 रुपीज़ दे रहा है उसका डेडलाइन 1 है, दूसरा 100 रुपीज़ दे रहा है उसका डेडलाइन कितना है, उसका भी 1 है। तो इन दोनों मैक्सिमम जो होगा उसी को सेलेक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से हम चलेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आप यहाँ पर प्रॉब्लम हमने 2 ले रखा है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे, एक प्रॉब्लम यहाँ पे। इन दोनों प्रॉब्लम को हम फुल्ली सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। पहले हम देख लेते हैं डिफिनेशन या उसकी प्रॉब्लम क्या है। वी आर गिवेन ए सेट ऑफ एन जॉब्स, ईच जॉब आर एसोसिएट विथ प्रॉफिट, हर जॉब की कुछ प्रॉफिट होगी, PI ग्रेटर देन 0, मतलब प्रॉफिट 0 तो नहीं होगा, 0 से ग्रेटर ही होगा। एंड डेडलाइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू DI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेडलाइन 0 या 0 से ग्रेटर हो सकता है। प्रॉफिट अर्न इफ इट इज कंप्लीटेड विद इन डेडलाइन, प्रॉफिट कब अर्न होगा, जब वो डेडलाइन के अंदर काम कर लेगा। जैसे मैंने बताया साइबर कैफे का एग्जाम्पल, अगर उस अपने डेडलाइन के अंदर साइबर कैफे में काम कर लिया तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, तभी तो आपको पे करेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, जो अप्रोच यूज करेगा ग्रेडी एल्गोरिथम, सॉर्ट द जॉब बाय प्रॉफिट इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि जो जॉब को सॉर्ट करेगा वो सबसे पहले प्रॉफिट को देखेगा, प्रॉफिट की बेस पर सॉर्ट करेगा। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, उसके बाद दूसरे नंबर की प्रॉफिट, उसके बाद तीसरे नंबर की प्रॉफिट जो होगी, एक तरह से कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप प्रॉफिट के हिसाब से। सेकेंड, सेलेक्ट जॉब कंप्लीटेड विद इन डेडलाइन, अब जब सॉर्ट हो जाएगा तो उसमें हम 1 by 1 सेलेक्ट करेंगे जॉब को जो कंप्लीट हो रहा है विद इन डेडलाइन में। कैसे हम काम करेंगे वो आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ जिसमें नंबर आप जॉब कितने दिए, 4 जॉब, JI, J1, J2, J3, J4, यहाँ पे J4 तक 4 जॉब दिए हुए हैं। हर जॉब की अपनी प्रॉफिट और डेडलाइन, जैसे जॉब 1 की प्रॉफिट कितनी है 100 और डेडलाइन कितनी है 2, यहाँ पे 2 यूनिट मान सकते हैं, जैसे 2 यूनिट ऑफ टाइम या 2, जैसे आप रियल लाइफ में देखें तो 2 आवर स्टार्ट के 2 आवर ले सकते हैं, 1 आवर ले सकते हैं, ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं। ऐसे जॉब 2 की प्रॉफिट कितना होगा, जॉब 2 अगर कंप्लीट होता है अपने डेडलाइन 1 में तो प्रॉफिट कितना होगा 10, ऐसे जॉब 3 प्रॉफिट 15 है, डेडलाइन कितना है 2, जॉब 4 डेडलाइन कितना है 1 और प्रॉफिट है 27। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट जॉब बाय प्रॉफिट इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर लीजिए, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, JI, PI और यहाँ पे DI। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसकी है, J1 की, तो सबसे पहले J1 आ जाएगा, इसकी प्रॉफिट कितनी 102। इसके बाद दूसरे नंबर प्रॉफिट कितनी है 27 की, जॉब कौन सा J4, दूसरे नंबर पे आ जाएगा J4, प्रॉफिट 27, डेडलाइन 1। थर्ड नंबर प्रॉफिट कितनी 15 और जॉब कौन सा थर्ड, तो J3 आ जाएगा, 15 प्रॉफिट है और इसकी डेडलाइन 2। और ऐसे ही लास्ट में क्या कौन सा जाएगा, J2 जिसकी प्रॉफिट है 10 और डेडलाइन है 1। इस तरह से हमने सॉर्ट कर लिया इसको। अब देखिए डेडलाइन कितना है 1, 2, इसकी पहले की 2 है,
फोर्थ जॉब की 1 है, थर्ड जॉब की 2 है, जे और सेकेंड जॉब कितनी है, 1 है। अब मैंने बताया कि डेडलाइन क्या हो सकता है, 0, DI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम डेडलाइन 0, और डेडलाइन मैक्सिमम कितनी गई है यहाँ पे 2 तक, तो 0 टू 1 और 1 टू 2, क्योंकि मैक्सिमम डेडलाइन कितनी 2 तक ही है, 2 से ज़्यादा तो मुझे डेडलाइन किसी में लेना, क्योंकि मैक्सिमम सारे जॉब किसके अंदर, सारे जॉब डिमांड कर रहे हैं मैक्सिमम 2 डेडलाइन के अंदर ही कंप्लीट करने को टास्क, तो हमने ले लिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जे आई मीन्स 1, पहला वाला अगर हम 1 लेके चलते हैं, लूप चलेंगे आई टू एन तक, तो यहाँ पे 1 चलेंगे तो क्या यहाँ पे कितनी प्रॉफिट है 100, डेडलाइन कितनी इसकी 2, जब डेडलाइन 2 है तो हम यहाँ भी इसको पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेडलाइन 2 है तो फर्स्ट आवर में उसको हम जॉब दे सकते हैं, या जब डेडलाइन 2 है तो हम यहाँ भी तो उसको जॉब दे सकते हैं, तो कोशिश हम करेंगे हमेशा जब प्रॉफिट 2 है तो इसको 2 साइड रखें, इसको हम ब्लैंक रखें ताकि यहाँ पे कोई और जॉब आ सके जिसकी डेडलाइन 1 हो, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका J1 जिसकी प्रॉफिट कितनी थी 100, क्लियर। अब दूसरा आएगा, दूसरे प्रॉफिट कितनी 27, इसकी डेडलाइन कितनी है 1, इसकी डेडलाइन 1 है, यहाँ पे 1 वाई डेडलाइन खाली है क्या, 0 टू 1, डेडलाइन 1 अभी फ्री है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा J4 और इसकी डेडलाइन, इसकी प्रॉफिट हो जाएगी 27 टोटल। और इसके बाद देखें J3 की प्रॉफिट 15 है लेकिन डेडलाइन 2 है, 2 डेडलाइन ऑलरेडी क्या है यहाँ पे फिल, 1 से 2 वाली ऑलरेडी फिल है, मतलब आ ही नहीं सकता यहाँ पे, ऐसे J2 इसके इस केस में देखें तो यहाँ पे क्या है, इसकी डेडलाइन 1 है, 1 तो ऑलरेडी फिल्ड है यहाँ पे, यहाँ आ ही नहीं सकता, तो अब कितने हो गए, केवल 2 जॉब यहाँ पे परफॉर्म हुए, क्योंकि एक जॉब एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, तो और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हो गया, इसको ऐड कर लेंगे 127, यही आपका कितना आ जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन है आपका आ गया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नंबर ऑफ जॉब 5 दे रखा है, जिसमें J1 to J5 इस तरह से नंबरिंग 1 2 3 4 5 दे रखा है जॉब नंबर, प्रॉफिट उसका 10 15 10 5 1, इसी से एसोसिएट ले रहा है, मतलब 1 जॉब का प्रॉफिट 10, 2 जॉब का प्रॉफिट 15 एंड सो ऑन। ऐसे डेडलाइन D1 to D5, फर्स्ट जॉब का डेडलाइन 2 है, सेकेंड का 2 है, थर्ड का 1 है, ऐसे ही आपका फिफ्थ का 3 है, ऐसे सारे डेडलाइन दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम सॉर्ट करना है एज पर द प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जॉब J, प्रॉफिट PI और यहाँ पे है डेडलाइन DI। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किससे मिल रहा है, पहले सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो मिलेगा उसी को हम पहले लेंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किससे मिल रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इससे 15 प्रॉफिट, तो 15 लिखेंगे, जॉब नंबर कौन सा था ये 2, और इसकी डेडलाइन कितनी थी 2, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, दूसरे नंबर प्रॉफिट कौन सी है 10, तो प्रॉफिट हमने लिया 10, जॉब नंबर 1, प्रॉफिट की डेडलाइन कितनी है इसकी 2, थर्ड नंबर पे भी आपका 10 है, तो मतलब आ जाएगा यहाँ पे 10, और यहाँ आ जाएगा 10, और इसके एसोसिएटेड आपका 3 है, 3 आ जाएगा, इसका डेडलाइन कितनी है 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट 5 प्रॉफिट है, जॉब नंबर कितना है 4 और डेडलाइन इसकी कितनी है 3, और लास्ट है प्रॉफिट आ रहा है 1, जॉब नंबर है 5 और डेडलाइन इसकी है 3। हमने शॉर्ट कर लिया किसको, प्रॉफिट की बेस पे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पहले, उसके बाद इस तरह से हमने सॉर्ट कर लिया सारे जॉब को। अब देखिए तो मैक्सिमम डेडलाइन कितनी जा रही है 3, तो हमने क्या लेंगे 0 टू 1 1 टू 2 2 टू 3, इसी स्लॉट पे जाएंगे, मतलब 3 तक ही सारे टास्क कंप्लीट कर लेने हैं, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले देखिए तो कितनी प्रॉफिट हो रही है 15 और इसकी डेडलाइन कितनी 2 डेडलाइन है, मतलब कि हम इस पे तो नहीं जा सकते इस स्लॉट में, क्योंकि 2 के अंदर इसको कंप्लीट करना है, या तो यहाँ जा सकते हैं या तो यहाँ जा सकते हैं, लेकिन हम हमेशा किस पे रखेंगे लास्ट वाले, क्योंकि इसको ब्लैंक इसलिए रखेंगे कि कोई और जॉब यहाँ पे आ सकता है, तो हम इसको रख देंगे यहाँ पे 2 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जॉब नंबर 2 और प्रॉफिट कितना हुआ, जॉब नंबर 2 ये वाला और प्रॉफिट कितना हुआ इससे 15, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 10, जॉब नंबर कौन सा 1, डेडलाइन कितनी 2, 2 डेडलाइन तो ऑलरेडी फिल्ड है यहाँ, और यहाँ पे जा नहीं सकता,
लेकिन यहाँ पे तो जब डेडलाइन टू है, लेकिन तो उसको हम उससे पहले भी काम करा सकते हैं हमारे यूनिट में, हमारे फर्स्ट यूनिट वाले टाइम में, तो इसको हम यहीं पे परफॉर्म करवा लेंगे जॉब नंबर वन को। और इसकी डेडलाइन कितनी है, टू के अंदर भी हो गया, मतलब यहाँ पे ही हो गया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपका थ्री, थ्री जॉब है, इसकी प्रॉफिट कितनी है, 10, लेकिन डेडलाइन कितनी, वन। डेडलाइन वन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, मतलब ये जॉब परफॉर्म नहीं होगा। अब आइए इस पे, अगर इस पे आता है तो प्रॉफिट कितनी है, फाइव। प्रॉफिट है फाइव और डेडलाइन इसकी कितनी, थ्री। डेडलाइन थ्री मतलब थ्री वाला डेडलाइन ब्लैंक है, तो यहाँ पे आ सकता है कौन सा, आ जाएगा ये जॉब, आ जाएगा फोर। जॉब आपका आ गया फोर, मतलब जॉब वन, जॉब टू और जॉब फोर। और नेक्स्ट फाइव है, फाइव नंबर की है, इसका प्रॉफिट वन है, डेडलाइन थ्री। डेडलाइन थ्री ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 15, 25 प्लस 30, 30 प्रॉफिट अर्न हुआ टोटल कितने, तीन टास्क परफॉर्म करने के बाद। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इस तरह से हम जॉब सिक्वेंसिंग विद इन डेडलाइन हम इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो है फ्रैक्शन नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ग्रेडी मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।